नाविका, नाविका, नाविका कहाँ थी तुम यार? मैं इतनी बार फोन, यू नो व्हाट, इट्स अ ब्लडी ट्रैप यार। उन लोगों ने मुझे बेहोश किया धोखे से, और जब मैं हो, नाविका क्या हुआ? रोहन जिंदा है, अलाइव। Relax. It's nothing. Don't be a baby. Zara si kharoch hi to hai. Fucking bitch. Usse ek second ke liye bhi ye nahi laga ki apne husband ko maar rahi hai. What? Husband? Kaun sa husband? Kahan ka husband? You're just a big fraud. Come on. What the fuck? Excuse me, ma'am. Mr. Rai Singh, आपसे मिलना है. We are fucked. क्या बात है, Mr. Rai Singh? No hi, no hello. Straight fucked. Yes, straight fucked. अच्छा हुआ मैडम आपने हॉस्पिटल का पूरा फ्लोर बुक करवा दिया, काम में आने वाला है। What nonsense? Nonsense, ये पिक्चर्स देख लीजिए, सारी नॉनसेंस समझ में आ जाएगी। उस अनामिका ने एमके को भी मार दिया है कुत्ते की तरह, पहले उसने एसीपी को मारा और बाद में एमके को भी। Fuck. This shit has gone too far. उसे तो अब मारना ही होगा। We'll have to kill her. Yes, we'll have to kill her. पर तुम दोनों तो ट्राई कर चुके हो, क्या हुआ? Don't underestimate her. So what do you want us to do? Overestimate her? Boys, don't get so worked up. मुझे सोचने दो इसके साथ में क्या कर सकती हूँ। I'll deal with her. I'm sorry, बेटा. I'm late by 3 minutes. But I promise, this will not happen again. वैसे निकम्मों ने इतना परेशान कर रखा है ना मुझे। पर तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब मैं मैदान में उतरने वाली हूं। फिर देखना बाजी कैसे पलटती है। इसे मानना तो पड़ेगा, बड़े अरसे के बाद एक ढंग का दुश्मन मिला है। कोई मुझे चैलेंज कर रहा है। ऐसी बातें तुम्हें नहीं सुननी चाहिए बेटा, पर कहना तो पड़ेगा कि इस हरामी राण को मारने में बहुत मजा आने वाला है। अगर हम अपने सूत्रों की माने तो यह लड़की अनामिका ने एक नहीं बल्कि तीन तीन लोगों का खून किया। जी हाँ, आपने सही सुना, एक नहीं बल्कि तीन लोगों का। आप यह जानकर हैरान होंगे कि इस लड़की का पहला शिकार और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का पति रोहन मलिक था। अपने पति को मारकर उसके शरीर को उसी की गाड़ी में आग लगाकर एक एक्सीडेंट का रूप दिया। अपने पति को मारने के बाद भी उसका मन नहीं भरा, उसने एसीपी कुनाल का मर्डर किया और अब तक ये गुत्थी उलझती जा रही। इस लड़की का असली नाम सायरा मलिक है। क्या पता इस लड़की का आखिर मोटिव क्या है, जो आए दिन नाम बदल बदल कर किसी न किसी को मौत के घाट उतार रही है। आइए जानते हैं एक ऐसे शख्स की जुबानी जो उसे अच्छी तरीके से जानता है, यहाँ हिंदुस्तान में नहीं, हांगकांग। How was she as a person? As we know, she has killed 3 persons. Oh God, is it true? She was very sharp, but I always
knew she was hiding something from me. She once asked me where she could buy a gun. She was very mysterious. Behaved rather strangely indeed. तुम मुस्कुरा रही हो? You think this is funny? मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि वो लोग डर रहे हैं मुझसे. I'm not that helpless girl anymore, Mohit. I'm dangerous. Very dangerous. हम कुछ तो सही कर रहे होंगे. कुछ कर रहे हैं नहीं, बल्कि कुछ कर रहे थे. क्योंकि हम पहले तो ना सिर्फ गुंडों से छिप रहे थे, लेकिन अब हमें पुलिस से भी छिपना होगा. छिपेंगे पर रुकेंगे नहीं. क्या मतलब? मतलब मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि पहले राय सिंह और फिर रोहन, दोनों को मरना होगा. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? यहां से बाहर निकलने का मतलब जानती भी हो? तुम्हारे नाम का डेथ वारंट इशू हो चुका है. डेथ वारंट उसी दिन इशू हो गया था जिस दिन उन लोगों ने मुझे मार के उस कंटेनर में फेंक के मौत के हवाले कर दिया. मौत से वो लोग डरते हैं जिन्हें जिंदगी से प्यार होता है. मुझे जिंदगी से कोई प्यार नहीं. मैं मौत को गले लगाने तैयार हूं. जुनून जब बेवकूफी में बदल जाता है पता नहीं चलता. और तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है. यू नो व्हाट, यू जस्ट लॉस्ट इट. ये आपकी बेटी के लिए, बहुत सारी विशेष के साथ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए. थैंक यू सो मच कमिश्नर साहब. आप जैसे दोस्तों की विशेष से वो डेफिनेटली जल्दी ठीक हो जाएगी. आई एम श्योर टू. मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन आई वॉन्टेड टू थैंक यू. आपने हमें उस लड़की से मिलाया, वो सायरा या अनामिका जो भी नाम है उसका. हमने स्टेट वाइड लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है उसके नाम पे. अच्छा किया आपने. मैं तो शॉक हो गई थी जब मुझे पता चला कि उसने अपने पति को मार दिया है और उसके साथ साथ कुछ और लोगों को भी. एक बात पूछ सकता हूँ आपको? ये कैसे पता चला आपको कि उसने अपने पति को मारा है? वो आपकी रिपोर्ट में सब लिखा है और फोटोग्राफ्स भी हैं रोहन की, कि कैसे पूना जाते जाते बॉम्बे हाईवे पे कार एक्सीडेंट हो गया एंड ऑल. हाँ हाँ मैंने देखा. वेरी स्ट्रेंज. या आई मीन उसके बाद ये लड़की एक महीने के लिए गायब हो जाती है. मेरे किसी बिजनेस कुलीग को मकाऊ में मिलती है. वो उन्हें एक झूठी कहानी बताती है और उनकी मदद से एक नया पासपोर्ट बनाकर वापस मुंबई आती है. आप सही कह रही है. बहुत अजीब सा है ये और क्रिमिनल बिहेवियर भी है. लेकिन ये मान लेना कि उसने मर्डर किया था. वही तो. जैसे ही मेरे कुलीग को पता चला उन्होंने उससे सारी बात उगलवाई और उसके बाद उस लड़की ने उन्हें भी मारने की कोशिश की. ओह माय गॉड, देन दैट इज सीरियस. यस, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मैं ऐसे ही किसी पे भी उंगली नहीं उठाऊंगी. यस यस ऑफ कोर्स. आप ऐसा क्यों करेंगे? करेक्ट. तो अगर पुलिस आपके इस कलीग, क्या नाम बताया आपने? मैंने नाम बताया नहीं, उनका नाम है मिस्टर राइसिंग. अगर पुलिस राइसिंग से सवाल करना चाहे तो आई एम श्योर ही विल कोऑपरेट. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे. ऐसी डेंजरस लड़की को सलाखों के पीछे देखने के लिए हम पुलिस की पूरी मदद करेंगे. रही तुम नहीं चलना चाहते तो ना सही. नफरत और बदले के जुनून ने तुम्हें अंधा कर दिया, पर ऐसे में तुम्हें धोखा देना बहुत आसान होगा. धोखा उन लोगों को दिया जाता है जो किसी पे एतबार करते हैं. मेरा किसी पे एतबार बचा ही नहीं है तो मुझे कोई धोखा क्या देगा? और पुलिस का क्या करूँगी जो तुम्हें चप्पे चप्पे पे ढूंढ रही? कोशिश करूंगी कि बच जाओ, और अगर नहीं बची ना तो ना सही. का ये इतना आसान नहीं होगा. अगर इतना मुश्किल है तो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे तुम? या तब करोगे जब आसान होगा? अगर
पुलिस तुम्हें शहर के अंदर ढूंढ रही है तो फिर तुम्हें शहर के बाहर, शहर के बाहर एक तरीका है। क्या? हर महीने के आखिरी सैटरडे राय सिंह आर्म्स की डील करता है फॉरनर्स के साथ, और वो उस डील की रकम इतनी बड़ी होती है कि वो उस डील को किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकता। आखिरी सैटरडे मतलब कल? हाँ, लेकिन वहां सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। कहाँ? कैसे ब्लांका लोनावला। रुक रुक रुक, कॉल इस फोन इसे टिकट दीजिए। चलो चलो। क्या साहब है? अरे मैडम को प्लेन में लेके जाना चाहिए था ना, है? ऐसा कोई करता है क्या? मैडम साहब को बोलना जरा कि गाड़ी थोड़ा धीरे चलाए, घाय गई नक्को है, ठीक है? ऑल द बेस्ट, जाओ, अच्छा होगा सब। ये जाओ दे। ऐसे तुम्हें पता, हमारे देश में भगवान के अलावा और कौन सी ऐसी चीज है जिसपे आंख बंद करके भरोसा किया जाता है? प्रेग्नेंट लेडी, ऐसे कमाल कर दिया तुमने, तुमने नहीं सॉरी इसने। बहुत जल्दी समझ आ गया तुम्हें। अगर मुझे पहले पता होता ना नामे का तो हम सुबह ही निकल पड़ते। रहने दो प्लीज, माथे से टप टप पसीना टपक रहा था, अब हिम्मत वापस आ गई है तो जबान भी वापस आ गई। As if तुम्हें डर नहीं लग रहा था। मुझे डर लग रहा था। अच्छा लिसन, नाउ व्हाट डू आई डू विद दिस मेक बिलीव बेबी? गाड़ी साइड में रोको, सो आई विल जस्ट थ्रो दिस अवे। जस्ट गिव मी अ मिनट। बेचारा बच्चा कितनी उम्मीदों से स्वर्ग से आया होगा, खामगा ऐसे ही गया। मेरे साथ तो अभी कुछ होगा भी नहीं, ना शादी ना बच्चे ना ही कोई फैमिली, सारे सपने एक बार में चूर चूर हो गए। ऐसे मत सोचो, जिंदगी अभी बाकी है। क्या करूंगी ऐसी जिंदगी का जिसमें नफरत के सिवाय और कुछ नहीं है। हनामे का पता, जिंदगी कब अच्छी लगने लगती है? कब? जब हम उसे जीने लगते हैं, नफरत से नहीं, प्यार से, विश्वास से। कुछ नहीं बदला, तुम मैं, एक बार ये सब खत्म होने दो, फिर जी लेंगे अच्छे से। इस लड़की का रेप हुआ, 10 दिन कंटेनर में रही लेकिन जिंदा रही, वापस आई। पहले इसने एसीपी कुणाल को मारा, रेमके को कुत्ते की तरह मार डाला, सब कुछ झंझोर कर रख दिया इसने। शी हैज फक्ड एवरीथिंग अप। ये इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, ये आएगी, जरूर आएगी। लेकिन तू ऐश कर, टेक बना। तो क्या करूं, डर के छुप जाऊं कहीं? छुप जा, क्योंकि सबसे पहले ये तुझे ही मारेगी, याद रखना। तूने कहीं पार्टी तो नहीं बदल ली? नेगेटिव ही बोले जा रहा है। अबे मुझे क्यों मारेगी, तुझे मारेगी, सबसे बड़ा दुश्मन तो तू है।
और वैसे भी मैं यहाँ रहने नहीं वाला, मेरी आर्म्स डील है फ्रेंच पार्टी के साथ। ये तुझे वहीं मालूम है। कैसाब्लांका हाउस इज हाईली सिक्योर्ड, परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहां पर। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा ड्राइवर जो उसके साथ है, उसने उसे कैसाब्लांका हाउस और इस आर्म्स डील के बारे में नहीं बताया होगा? उस मोहित को उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था जिस दिन उसकी बहन को मारा था। ब्लडी स्काउंडल, पुलिस को फोन करता हूं। तूने इतनी भी नहीं पी है कि चढ़ गई है? पुलिस को फोन करके क्या इन्फॉर्म करेंगे कि कैसाब्लांका हाउस में मेरी एक इलीगल आर्म्स डील चल रही है और मुझे टिप ऑफ मिला है कि अनामिका भी वहीं है। अब आकर उसे पकड़ लो। आई सी, दिस इज हर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। मेरे हिसाब से ये डील कैंसिल कर दो, जिंदा रहोगे तो ऐसे 100 डील कर सकते हो। इस धंधे में रेपुटेशन की कीमत जान से कहीं ज्यादा होती है, और ये 30 करोड़ की डील उस 30,000 की रांड के लिए छोड़ दूं, इतना डरपोक नहीं हूं मैं। ठीक है, तो मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। अरे बोला ना, इतना डरपोक नहीं हूं। पर अब वक्त आ गया है कि मैं भी अपना हिसाब बराबर कर लूं। उसे मौका दिया था मैंने, लेकिन वो नहीं समझी। राइसिंग, तुम अपनी डील करो, मैं देखता हूं ये अंदर आती कैसे है।